हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाई स्टडी सर्कल। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इससे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हम पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी पढ़ेंगे और साथ में उनकी प्रॉपर्टीज़, और प्रॉपर्टीज से इसका एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में ज़रूर आता है। तो आज हम ध्यान से पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, पहले अब ये देख लेते हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़ा था हमने, कि हमारे पास कोई एक चार्ज है, चार्ज के जो चारों तरफ का एरिया होता है जहाँ तक वो अपने फोर्स को महसूस करा सके, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोस्तों, ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर कुछ लाइन होती हैं ये, और ये जो लाइन है, ये लाइन कैसी है, इमेजनरी लाइन है, रियल में नहीं है, लाइन इमेजनरी लाइन हमने मानी है, ये हमें दिखती नहीं है। तो जो लाइनिंग है, इनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब ये पॉजिटिव चार्ज की अलग होंगी, माइनस वाले की अलग, अब क्या क्या होती हैं वो देखते हैं। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या, एक इमेजनरी लाइन है जो हमारा स्मूथ कर्व बनाती हैं, कहाँ पर, चार्ज के चारों तरफ, जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आप ये कह सकते हो इसके अंदर जो है कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या, ये इमेजनरी लाइन है, और चार्ज के चारों तरफ सराउंडिंग में जो स्पेस है हमारा, वहाँ पर क्या बनाती हैं। तो आप ये कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या, दीज लाइंस आर इमेजनरी स्मूथ कर्व ड्रोन इन स्पेस। तो स्पेस में जो हमारा इमेज, जो स्पेस में जो इमेजनरी लाइन होती हैं, जो कर्व बनाती हैं चार्ज के चारों तरफ, उनको बोलते हैं हम उनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो पहले बात करें, देखो, अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह से होंगी। तो देखो, पॉजिटिव्स के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ को निकलती हैं और माइनस वाले के अंदर जाती हैं। तो अगर मैं बात करूँ पॉजिटिव वाले की, तो इससे चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलेंगी, बाहर निकलेंगी। तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आपको दिया जाए, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आप जो बनाओगे वो इस तरह से बनाओगे। तो पहला हमारा ये रहा, ये पार्ट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से है, देखो सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जा रही है, बाहर की तरफ को। अगर मैं दोस्तों बात करता हूँ माइनस वाले चार्ज की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं निकालता हूँ माइनस चार्ज की वजह से, तो पॉजिटिव से तो बाहर की तरफ निकलती हैं, लेकिन माइनस वाले के क्या आती हैं, अंदर की तरफ को आती हैं माइनस के। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसकी बनाएंगे माइनस वाले की, वो कैसे बनाएंगे, अंदर की तरफ को, उसमें एरो हम अंदर की तरफ को बनाएंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी निगेटिव चार्ज की वजह से। अगर दोस्तों मैंने पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एक साथ ले लिया है, सपोज करो मैंने एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया है और एक क्या ले लिया मैंने, निगेटिव, तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी कहाँ पर जाएंगी, माइनस वाले के अंदर। और तो ये पॉजिटिव से निकली कहाँ गई आपकी, माइनस के अंदर। यहाँ ये पॉजिटिव से निकली कहाँ गई है, माइनस के अंदर। तो इस तरह से दोस्तों जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी, ये सब कहाँ जाएंगी, इधर से निकलेंगी और इस तरफ क्या करेंगी, एंट्री करेंगी। इस तरफ को भी ऐसे ही बनेंगी, यहाँ से निकलेंगी और यहाँ पर क्या करेंगी, एंट्री करेंगी। तो इसका जो प्रॉपर डायग्राम यहाँ पर बना रखा है रहा, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, पॉजिटिव से सारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है और निगेटिव वाले के अंदर आ रही हैं। तो आप ये कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। यहाँ पर इक्वल और अपोजिट चार्ज हैं, दोनों चार्ज बराबर हैं, लेकिन क्या है आपके, अपोजिट है, एक प्लस है और एक माइनस है। तो प्लस वाले से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है और माइनस वाले के अंदर जा रही हैं। हमें देखो कंसेप्ट को अच्छे समझने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ये रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल जो मतलब ग्राफ के थ्रू हम रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, ये बहुत समझना ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे होती हैं। अगर मैं बात करूं दोनों, अगर मैं चार्ज पॉजिटिव ले लूं, अगर मैं दोनों चार्ज क्या ले लूं, पॉजिटिव ले लूं, सपोज करो एक Q1 चार्ज ले लिया मैंने पॉजिटिव, एक Q2 चार्ज ले लिया। अब क्या होगा, देखो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी इस ऐसे, इसकी इधर से आएगी, दोनों में रिपल्सन होगा और वो एक दूसरे के ऊपर अलग, मतलब अलग हट जाएंगी, क्यों, रिपेल करेंगी एक दूसरे को, यहाँ पर ये एक दूसरे से नहीं टकराएंगी। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रिपेल करके चली जाएगी और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से रिपेल करेगी, और ये एक दूसरे को रिपल्शन की वजह से ये ऐसे ऐसे इस तरह से चली जाएंगी, यानी कि एक दूसरे के एरिया में नहीं जाएंगी, क्योंकि एक दूसरे को रिपेल करेंगी, क्योंकि दोनों चार्ज क्या है मेरे, Q1 Q2 बराबर हैं और दोनों ही क्या है चार्ज, ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो इसका डायग्राम ये रहा, यहाँ पर देख लो, ये Q1 चार्ज है हमारे पास, एक Q2 चार्ज है,
इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड गई, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों आपस में टकराई नहीं, एक दूसरे से रिपेल करके चली गई हैं, तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस। अगर मैं बात करूं यहाँ, तो मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, और क्या कंडीशन हो सकती है, और ये कंडीशन हो सकती है कि मैं जो है Q1 ज़्यादा बड़ा ले, एक चार्ज बड़ा और एक चार्ज क्या ले लें, छोटा ले लेते हैं। तो देखो फिर क्या होता है, अगर मेरे पास एक चार्ज बड़ा है और एक चार्ज क्या है, छोटा है, ये मैंने Q1 मान लिया और ये क्या मान लिया, Q2। अब देखो जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ज़्यादा, मैंने कब बोल दिया Q1 जो है हमारा वो बड़ा है किससे, Q2 से। जब Q1 चार्ज हमारा Q2 से बड़ा है तो Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, ज़्यादा स्ट्रोंग होगी, तो ये ज़्यादा दूर तक जाएगी इस तरफ। लेकिन Q2 क्या है, आपका स्मॉल चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी वीक होगी, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा एरिए में जाएगी और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी आपकी, कम एरिए में आएगी। तो Q1 क्या है हमारा, ज़्यादा मतलब बड़ा चार्ज है, तो जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बड़ा होने की वजह से, स्ट्रोंग होने की वजह से, Q1 पर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया भी ज़्यादा होगा। Q2 पर चार्ज कम है, Q2 एक छोटा चार्ज है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया भी क्या होगा, कम होगा। तो इसका डायग्राम ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अनइक्वल पॉजिटिव चार्जेस। तो ये अनइक्वल चार्जेस हैं, जो ज़्यादा बड़ा चार्ज है, Q1 बड़ा है यहाँ पर Q2 से, तो उसका एरिया भी ज़्यादा है, और Q2 वाला छोटा चार्ज है तो उसका एरिया भी क्या है, छोटा है। तो अब स्टार्ट करेंगे हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जो डायग्राम वो देखे थे, तो अब इन लाइंस की प्रॉपर्टीज़ देखनी है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और जो इनसे हमारे एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, हमें जो पढ़नी है 5 प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, जैसा कि सामने आप बोर्ड पर लिखी हुई हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज़ क्या होती है दोस्तों, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और एंड कहाँ पर हो जाती है, निगेटिव चार्ज पर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है स्टार्ट कहाँ से होती है, पॉजिटिव से, और एंड कहाँ पर हो जाती है, माइनस पर। माइनस यानी कि पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी और एंड कहाँ पर हो जाएगी हमारी, निगेटिव चार्ज पर। तो पहली प्रॉपर्टीज़ यही थी। दूसरी प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारी, कि दूसरी प्रॉपर्टीज़ ये है कि जो हमारे पास चार्ज है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है वो हमेशा सरफेस के कैसी होती है, ये उसके परपेंडिकुलर होती है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा हमारा, 90 डिग्री होगा। चाहे वो माइनस का चार्ज हो, मान लो माइनस वाले के इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आती है, तो जैसी जहाँ पर जिस सरफेस पर आके टकराएगी वहाँ पर जो एंगल बनाएगी वो कितना बनाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री बनाएगी सरफेस के साथ में। चाहे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, सबका एंगल कितना होगा सरफेस के साथ में, 90 डिग्री होगा। अब इसके बाद अगर मैं आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इससे आपको एक डायग्राम दे दिया है और वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकाल के दिखा दी, तो देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल नहीं बन रहा, तो आपसे पूछा जाएगा बताओ ये डायग्राम सही है या गलत है। तो ये डायग्राम गलत है, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के साथ में हमेशा परपेंडिकुलर होती है, नॉर्मल होती है, उसके 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब देखो दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी अभी हमने, पहली प्रॉपर्टीज़ क्या पढ़ी थी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और कहाँ जाती है, माइनस वाले पर, वहाँ पर एंड हो जाती है। दूसरी प्रॉपर्टीज़ क्या पढ़ी थी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है हमारी वो सरफेस के क्या होती हैं, नॉर्मल होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। तीसरी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से पहले, तीसरी प्रॉपर्टीज़ जो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसका, पेपर में इतना क्वेश्चन पूछा गया है, बेइंतहा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका। तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं फोर्थ जो प्रॉपर्टीज़ है इसको डिस्कस करता हूँ, क्योंकि जब ये समझ में आएगी तभी ये वाली प्रॉपर्टीज़ समझ में आएगी। तो पहले फोर्थ प्रॉपर्टीज़ देख लो। फोर्थ प्रॉपर्टीज़ ये कहती है, अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो ये मेरे पास चार्ज है और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मुझे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, यहाँ पर क्यों क्या डायरेक्शन है, यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस पॉइंट पर टेंजेंट बना दूंगा। अगर मैंने यहाँ टेंजेंट बना दी तो मुझे इस पॉइंट की डायरेक्शन मिल गई, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है ये, अगर मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो यहाँ टेंजेंट बना दूंगा, अगर मुझे यहाँ पर चाहिए तो यहाँ टेंजेंट बना दूंगा। तो कहने की बात यह है कि अगर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के मैं टेंजेंट बना दूँ तो टेंजेंट क्या देती है, उसकी डायरेक्शन बता देती है वहाँ पर।
तो ये बात क्लियर हो गई। अगर कहीं भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और मुझे यहाँ पर डायरेक्शन चाहिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या, तो वहीं पर मैं टेंजेंट बना दूंगा। अगर मुझे यहाँ पर इसकी डायरेक्शन चाहिए तो मैं यहीं पर इसकी क्या बना दूंगा, टेंजेंट बना दूंगा। तो कहीं भी अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो आप क्या करोगे, वहाँ पर उसकी टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे। तो अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज़ पर। तो थर्ड प्रॉपर्टीज़ हमारी ये कहती है, कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, आपस में एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करती। आपने देखा भी होगा, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई थी यहाँ पर, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव इसके अंदर आ रही है, कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो क्यों नहीं करती, क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, तो ऐसा क्यों, ऐसा क्या है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो इसका रीज़न समझ लेते हैं, इसका रीज़न क्या है, पेपर में आपको इसका रीज़न लिखना है, कारण क्या है इसका, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। तो आइए देख लेते हैं क्यों नहीं करती। अगर सपोज करो मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गई पी पर। अब मुझे पी पर डायरेक्शन चाहिए। अब देखो, जैसे ही दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरसेक्ट कर गई पी पर, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, एक तो इस वाली की टेंजेंट बना दी। इसकी जब मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो ऐसे बनेगी, और इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो ऐसे बनेगी। तो यहाँ पर इस पॉइंट की डायरेक्शन देखो इस तरफ भी है, अगर मैं इसका नाम दे दूँ ए और बी। तो देखो इस पॉइंट पर मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी, एक पी ए और एक पी बी। जब दो टेंजेंट होगी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो गई, क्योंकि टेंजेंट क्या बताती है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या बताती है हमें, टेंजेंट बताती है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अब ये बताओ आप मुझे, जब दो टेंजेंट हैं, एक टेंजेंट ये तो एक डायरेक्शन ये हो गई, दूसरी टेंजेंट ये पी बी तो इसकी एक डायरेक्शन ये हो गई, क्या एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल है, नहीं कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। तो एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो हम क्या बताएंगे कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस इसलिए नहीं करती क्योंकि जहाँ पर वो क्रॉस करेंगी उस पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं। जब दो टेंजेंट ड्रॉ आप करोगे वहां पर तो दो डायरेक्शन मिलेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, किसी भी एक पॉइंट पर कभी भी दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। तो यही हमने देखो यहाँ पर लिखा है, नो टू लाइन्स कैन क्रॉस ईच अदर, बिकॉज दो लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। इफ़ दे डू, अगर वो करती हैं, देन टू टेंजेंट कैन बी ड्रोन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहाँ पर दो टेंजेंट ड्रो की जा सकती हैं। दिस मीन्स, उसका मतलब ये हुआ, टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहाँ पर दो डायरेक्शन हो जाएंगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपको यही एक्सप्लेनेशन लिखनी है जब कभी भी ये क्वेश्चन आपका पेपर में आपका पूछा जाए। तो ये पॉइंट तो हमने डिस्कस कर लिया था कि अगर किसी भी पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो वहां पर मुझे क्या मिलेगी, उस टेंजेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। लास्ट पॉइंट क्या है हमारा इसके अंदर, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। क्लोज लूप कैसे, मतलब मान लो सपोज करो ये पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज, तो अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी कोई जाएगी तो वो यहीं पर जा करके रुक जाएगी, अंदर नहीं जाएगी, और फिर जब अंदर नहीं जाएगी तो क्लोज लूप नहीं बनेगा। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आई तो फिर ये ऐसे आएगी, यानी कि इसका क्लोज लूप नहीं है, यहाँ से इधर जाएगी और यहाँ से इधर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। लेकिन अगर मैं बात करूँ मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बनाती है। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, जो चैप्टर्स आएंगे, मैग्नेटिक फील्ड का पूरा एक चैप्टर है। अभी बस बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी हमारी क्लोज लूप नहीं बनाती। तो जैसा देखा आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से गई, यहाँ पर जाके क्या होगी, ख़त्म हो गई, ये वाली यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पर जाकर ख़त्म हो गई, ये वाली यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पर जाकर ख़त्म हो गई, ये वाली यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ जाकर ख़त्म हो गई, यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ ख़त्म, यहाँ से स्टार्ट और यहाँ ख़त्म। तो ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। तो आज जो हमने डिस्कस करा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कस करा था, सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखी, जो हमारे पास प्लस का चार्ज होता है उसकी कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, माइनस वाले की कैसे होती है, प्लस माइनस एक साथ आ गए तो किस तरह से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी।
तो हमने इनके बारे में चर्चा करी थी। उसके बाद हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ हमने पांच पढ़ी थी। पहली प्रॉपर्टीज़ क्या पढ़ी थी कि वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, निगेटिव पर एंड होती है। दूसरी प्रॉपर्टीज़ क्या थी कि सरफेस के नॉर्मल होती है। और तीसरी प्रॉपर्टीज़ ये थी कभी भी दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि अगर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहाँ पर दो टेंजेंट बनाई जा सकती हैं, और दो टेंजेंट बनेंगी तो दो डायरेक्शन होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कोई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर आप किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर देते हो तो वहाँ उसकी डायरेक्शन पता चल जाती है। और लास्ट लाइन थी आपकी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। तो मैं दोस्तों आप मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट्स है तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप देखो हमने जो है, अगर आपको कोई भी और कोई डाउट्स है इसके अलावा, तो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप उस ग्रुप में ज्वाइन कर लो और हमसे अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। वहाँ पर अच्छे से आपको सारे आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडी इन पाइथन।